अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कम से कम जेपी नाइसी का ऑडिटोरियम तो बना देते, जैसे और जगह आपने अपनी पट्टियां लगा ली है, नाम लिखवा लिया है, उसमें भी नाम लिखा लो, क्योंकि वो ऑडिटोरियम अगर बनकर के तैयार हो जाता समय से तो मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, वो विज्ञान भवन से ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज या ऑडिटोरियम आपके उत्तर प्रदेश के पास होता। अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट मीट करते तो लगता उनको भी, जो इन्वेस्टर्स आते, कि क्या जगह पर बैठे हैं वो लोग। और मुझे याद है बनारस में एक रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था, वो 1200 कैपेसिटी का, उसका न जाने कितना प्रचार किया गया। ये जो जेपी नाइसी का ऑडिटोरियम है उसमें गाड़ी पार्किंग 1200 है, तो समझ लीजिए ऑडिटोरियम कितना बड़ा होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा वहां लगाई, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अकेले मत खड़ा करो उन्हें। उनके नाम पर उसी जगह पर शिलान्यास की हुई यूनिवर्सिटी आप 6 साल में नहीं बना पाए, और कहां चल रही है वो यूनिवर्सिटी? नेता सदन 9th फ्लोर पे जाइए, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में चल रही है 9th फ्लोर में, बताइए 6 साल में आप एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। और अध्यक्ष महोदय, नेता सदन को अपनी यूनिवर्सिटी बनानी थी, क्योंकि खुद चांसलर बनना था, वो 1 साल में बन गई, तो सरकार की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? और फिर जिन यूनिवर्सिटियों लोक भवन तो अच्छा ही लगता होगा, मैं तो टेबल को देखता हूं तो लगता है कि भाई समाजवादियों की खरीदी हुई टेबल पे आप दस्तखत कर रहे हैं। वो बात बाद में आएगी, अभी नहीं। तो सरकार क्या, मैं जानता हूं सरकारें, मैंने नेता सदन का भाषण सुना था कि हम सबका कुछ ना कुछ योगदान है, तो स्वीकार करें कि पूरे देश में, अब तो और भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं ऑफिसेस, लेकिन पूरे देश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री का अगर कहीं होता ऑफिस का काम करने के लिए, कोई मुख्यमंत्री होता तो आपका उत्तर प्रदेश का होता। हालांकि पेड़ पौधों से आपको कोई बहुत रुचि नहीं है, आपको गमलों से रुचि है, गमले लगाए सूख गए, चोरी हो गए, पता लगा करोड़ों के गमले चोरी हो गए, FIR दर्ज हो गई गमलों जिन्होंने चोरी की। कम से कम समाजवादियों जैसा काम करते, जब आप मुख्यमंत्री आवास में पेड़ देखते होंगे फ्लावरिंग करते हुए, आप नाम नहीं जानते उन पेड़ों का। मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, नेता सदन उन पेड़ों का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको रुचि कम है पेड़ से, एक एक पेड़ पसंद कर करके लगाया गया। और अगर आप गवर्न हाउस के थोड़ा सा घूम जाएंगे, आप जो आजकल फ्लावरिंग कर रहे हैं पेड़, जो पर फ्लावरिंग आ रही है वो टबोविया का पेड़ है, और जो आपके यहां पिंक और येलो कभी कभी फ्लावर करता होगा पेड़, जो पत्तियां हट जाती हैं, वो क्रोसिया का पेड़ है। तो समाजवादी लोग कम से कम पेड़ पौधों से लेकर के जो लगाया वो आज भी फ्लावर कर रहा है, लेकिन इनके गमले सब सूख गए। हालांकि जो जनेश्वर मिश्र पार्क बना है, लोहिया पार्क बना है, हमें उम्मीद है कि सरकार भी कोई ना कोई पार्क बनाएगी, नहीं पार्क बनाए तो किसी का नाम ही बदल दे। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कुकरेल नाले पर रिवर फ्रंट बनेगा। नाले पर रिवर फ्रंट कहां बनता है? नाले का तो पानी साफ किया जाता है। और नहीं अध्यक्ष महोदय, नेता सदन वो पुरानी अपनी प्रेस नोट निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं। और जो दुर्दशा है जनेश स्पा के और की, वो तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आपने पेड़ कटवाए लगवाए नहीं, और ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार है, आपको पेड़ नहीं काटने पड़ते। कैंटोनमेंट की दोनों सड़कें जो आप छिपा रहे थे, आप कुछ छिपा रहे थे होर्डिंग से, ODOP की होर्डिंग से, कभी कुछ और लगा करके जो आप पीछे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे, अर्जुनगंज होकर के जो सड़क जाती है इन्वेस्टमेंट मीट के लिए, अध्यक्ष मुझे याद है
इस सड़क को 6 लेन विद साइकिल ट्रैक बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री से पूरे मिनट्स तक तैयार हो गए थे। जो कुछ अधिकारियों के बीच में लैंड इधर से उधर जो एक दूसरे को ट्रांसफर करनी थी उसका ही फैसला हो गया था, लेकिन जैसी सरकार चली गई आज तक चौड़ी नहीं हो पाई। और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए न लगानी पड़ती। तो कुछ ऐसे सवाल अखिलेश यादव इस वक्त सदन में पूछ रहे हैं कि किस तरह से विकास की जो बातें आपने कही बजट के दौरान या उससे पहले, अगर कुछ और विकास आप कर लेते, यानी कि वो अपने और मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आगे भी बताएंगे महत्वपूर्ण बातें क्या उन्होंने कही। फिलहाल ब्रेक।